जी मैं भी मानूंगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी मेरे बेटे को 2 महीने भी नहीं हुए गुजरे हुए और ये जिद कर बैठी है जाने के लिए। हमको तो आप ही का सहारा है, आप इसे अकल दें। मेरा तो हर कोशिश बेकार रहा इसको रोकने के लिए। मुझे भी तो पता चले कि कौन सी कोशिश की है आपने मुझे रोकने की, सिवाय रोज रोज के तानों और दुत्कार के अलावा दिया क्या आपने मुझे? और फिर आपको क्या तकलीफ है? मैं बिना कुछ झगड़ा किए और बिना आपसे कुछ लिए चुपचाप जाना चाहती हूँ। क्या इतना भी हक नहीं है मुझे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का? ऐसा नहीं है मानती जी, आपको पूरा हक है। जैसे आप चाहे वैसे जिंदगी जी सकती है, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस फोरम को बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप अपने ससुराल को छोड़कर जाने का इतना बड़ा कदम उठाना चाहती है, जबकि आपकी सास खुद प्यार से आपको अपने साथ उस घर में रखना चाहती है, फिर क्यों जाना चाहती है आप? देखिए, मैं अपनी सास के बारे में कुछ ना कहूँ तो बात बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं आपके आगे और इनके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपसे कहती हूँ कि मुझे ससुराल में रुकने को ना कहिए, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ कभी खुश नहीं रह पाएगा, इसलिए मुझे जाने दीजिए। अरे मेरी इज्जत की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, कम से कम इन लोगों का तो ख्याल कर कि जो तुम्हारे लिए समय दे रहे हैं, अकल दे रहे हैं। और जा रही है मालती जी, आप अपना ससुराल छोड़ के अपने मायके जाना चाहती है? मायके ही क्यों, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मैं एक आत्मनिर्भर औरत हूँ और खुद से अपना और अपने बच्चों को पाल सकती हूँ। आप अपने मायके क्यों नहीं जाना चाहती? या आपके माता पिता का कुछ और सोचना है आपके इस अलग होने के फैसले के बारे में? जी मेरे मम्मी पापा भी वही सोचते हैं जो आजकल के ज़्यादातर हिंदुस्तानी माँ बाप सोचते हैं। वो चाहते हैं कि औरत के साथ जो भी है उससे उसको समझौता करना चाहिए, क्योंकि औरत की डोली मायके से उठती है और अर्थी ससुराल से। ये तो एकदम गलत सोच है। हम हर बेटी के माँ बाप से ये कहना चाहेंगे कि उनकी बेटी की हर मुश्किल घड़ी में उसका सहारा उसकी ताकत बनी है। सिर्फ शादी कर देने से उनका रिश्ता, उनकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि जो भी कर रही है ये गलत कर रही है। सही और गलत की बात आप ना ही करें तो बेहतर है, जबकि आपको तो मैं कभी पसंद ही नहीं थी। आप तो मेरी और विशाल की शादी भी नहीं होने देना चाहती थी। ये तो क्या बोले जा रही है? अरे मैं क्यों चाहूंगी इस तरह से? मालती जी आपको क्यों लगता है कि शोभा जी आपको पसंद नहीं करती? क्योंकि हमारा प्रेम विवाह हुआ था, हालांकि एक ही समाज में थे, मगर हमारी जाति इनसे थोड़ी नीचे थी और इसी वजह से समाज में इनकी नाक नीचे होती थी। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि इनका कौन सा रूप सच्चा है। आज ये मुझे अपने घर पे रोकने के लिए मरे जा रही है, या फिर जब उन्होंने हमारी शादी रोकने के लिए खुद को मारने की कोशिश की थी। बेटा नहीं है, इसीलिए तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं मानती हूँ। क्या बोले जा रही हूँ, मैं क्यों मारूंगी खुद को? अरे ये क्या बोल रही है, मैं क्यों खुद को मारूंगी? जब आप मालती जी को शुरू से पसंद नहीं करती थी, जब आपका बेटा जिंदा था, तब आप इन्हें अपनी बहू मानना नहीं चाहती थी। तो क्या वजह है कि आप, जब आपका बेटा नहीं है तो आप मालती जी को जाने से रोकना चाहती हैं? बेटा नहीं है इसीलिए तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं मानती हूँ कि कल मैं इसको पसंद नहीं कर रही थी, पर शादी के बाद मैंने इसे अपना दिल से अपनाया था, और आज इसके कोख में पल रहे बच्चे को मैं क्यों नुकसान पहुंचाना चाहूंगी? भाभी आप परिवार का हिस्सा हैं हमारे लिए, इसलिए जो हो गया उसे भूल जाइए। आप अपना घर संभालो और बिजनेस संभालो। घर और बिजनेस दोनों को ज़रूरत है आपकी। जो हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि सच यही है कि अपने ससुराल में रहकर मैं अपनी या अपने होने वाले बच्चे की अर्थी उठते इंतज़ार नहीं कर सकती। अरे ऐसा क्या कर दिया हमने कि तुझे कातिल दिखने लगी मैं? ये आप सही नहीं कह रही है भाभी, आप अपने शब्द वापस लीजिए। ये एक बहुत ही घिनौना इल्ज़ाम है। हम आपको प्यार और आदर के साथ परिवार में रखना चाहते हैं और आप हम ही कातिल ठहरा रहे हैं। मालती जी ये काफ़ी बड़ा इल्ज़ाम है। ये फौरन जानना चाहेगा कि शोभा जी ने ऐसी क्या बात की है जिससे आपको लग रहा है कि आपके और आपके बच्चे की जान को खतरा है। मेरी सास के अंधविश्वासों ने मुझे ऐसा एहसास दिलाया है कि मेरे और मेरे बच्चे की जान को खतरा है। मेरे अंधविश्वास से ये मालती आप लोगों को उलझाने के लिए कुछ भी बोल रही है। अरे ये तो सपने में भी मैं नहीं सोच सकती कि मेरे इसके कोख में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे।
ये मेरे खानदान की निशानी है, मेरे बेटे का निशान है, फिर मैं इसके लिए कैसे सोच सकती हूँ कुछ इसके लिए कुछ बुरा हो? आप प्लीज शोभा जी शांत रहिए, मालती जी कहिए आप क्या कहना चाहिए चाहती है, एक हो तो बताओ। या तो रोज का नाटक है, डॉक्टर कहते हैं कि मैं अपना पोषण अच्छे से करूं, अपने खाने पीने का ख्याल रखूं, क्योंकि मुझे ना सिर्फ अपना अपने लिए बल्कि अपने बच्चे के लिए भी खाना है, लेकिन मेरी सास मुझे भूखा रखने पे तुली हुई है। आज ये व्रत है, कल वो उपवास है, कल ये पूजा है, इस बात का उपवास है। डॉक्टर ने कहा है कि प्रेगनेंसी में कुछ मुश्किलें हैं, मैं वीक हूँ और मुझे बेड रेस्ट लेनी चाहिए, जितना हो सके आराम करना चाहिए, और ये है हर दूसरे तीसरे दिन हवन करवा के मुझे घंटों पूजा में बिठा देती है, मैं किस दर्द से गुजर रही हूँ इसका अंदाजा भी नहीं है। अरे ये तू क्या बोल रही है, ये सिर्फ तेरा ही बच्चा है, मेरा कुछ नहीं लगता है ये। अरे तो अच्छे कामों के लिए परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी ना, थोड़ा चलेगी फिरेगी।